ਉਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਡੰਡਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਤੇ ਕਮਰ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਫਿਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਟੇਬਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਂ ਬਿਠਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਤੀਨ ਹੈ ਇਨ ਤੀਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਆਪ ਕਿਸ ਕੋ ਪਿਕ ਕਰੇਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਠਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋ ਬਿਠਾਏਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਕੋ ਬਿਠਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ अच्छा चलें इसके बाद है जी फेवरेट सब्जी अब्दुल रज़ाक की आपके ऑप्शन है कि कद्दू बैंगन तो या फिर साग अगर तुसी दिलों तरफ से आवाजें आ रही नहीं 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 दिलों में पूछो कि कद्दू मैंने पसंद किया कद्दू वो साग की जो स्टोरी थी वसीम भाई ने जो सुनाई थी चलें छोड़ें इसको भी अच्छा उसके बाद है जी आप साइकिल में जा रहे हैं एक आपने आगे बंदा बिठाना एक को आपने पीछे बिठाना है वैसे किसको आप आगे बिठाएंगे और किसको आप पीछे बिठाएंगे क्या ऑप्शन है करीना कपूर या वो सोनाक्षी सेना इन दोनों में से आगे किसको बिठाएंगे और पीछे किसको बिठाएंगे साइकिल के ऊपर दोनों आगे बिठा लेंगे दोनों आ गए नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे मैं कर लूंगा एडजस्ट अच्छा जी उसके बाद जी एक सिचुएशन बनी है आखिरी ओवर है 15 रन चाहिए जीतने के लिए आप बैटिंग कर रहे हैं इन तीनों में से आप कौन सा बॉलर चूज करेंगे जिसको आप समझते हैं कि 15 रन आप आराम से बना लेंगे सकलैन मुश्ताक मुश्ताक अहमद या फिर सईद अजमल इन तीनों में से 15 रन चार चौके या तीन छक्के कर ले चलो सईद अजमल ने बाट सईद अजमल सही तड़का ले रहे हो तुम देख लो अच्छा अब ये एक सवाल है इंटरेस्टिंग है सोच के जवाब दीजिएगा कि इन दो ऑप्शन आपको दूंगा इनमें से ज़्यादा बोलने वाला कौन है शोले फिल्म देखी हुई है बसंती याद है बसंती या फिर हमारे डॉक्टर नुमान साहब इन दोनों में से ज़्यादा कौन बोलता है डॉक्टर नुमान डॉक्टर साहब आप बसंती से भी आगे हैं ये सवाल करना है तो डिपेंड करता है अच्छा कोई ऐसा बॉलर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा खुद बताएं जिसको मार के ना चिक्के चौके मार के दिलों खुशी होती है बंदा कहना यार इन्हें तो मारना ही मारना है कोई ऐसा बोला इंडिया का सी बालाजी वो तो मैं दिल करता सी बहुत मार उसकी बॉलिंग देख के शक्ल देख के यकीन देख नहीं वो बॉलर एडा बुरा नहीं सी पर मजा आता सी उन्हें मारने का अच्छा अब एक फिल्म है आप उसके हीरो हैं अब उसमें आपकी एक सिस्टर का रोल भी है इन ऑप्शन में से आप किसको पिक करेंगे अपनी सिस्टर के रोल के लिए फिल्म के अंदर सिर्फ महविश हयात आयशा खान या फिर प्रियंका चोपड़ा आयशा खान थी आयशा खान बाकियों को नहीं चले ठीक हो गया अच्छा फेवरेट कैप्टन अपना बताया फेवरेट ऑप्शन देता हूँ चलें आपको वसीम अकरम राशिद लतीफ़ या मोइन खान वसीम अकरम राशिद भाई इतने तेज नहीं थे नहीं बेसिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कैप्टन आए ना इमरान खान वसीम अकरम मोइन खान और राशिद लतीफ़ इनका बेहतरीन ये था कि ये प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छे थे मोइन भाई और राशिद लतीफ़ ये प्लेयर के लिए बहुत अच्छे थे इनमें वो चीज़ नहीं पाई गई जो कैप्टनसी की होती है हालांकि वसीम अकरम में भी थी इमरान खान में भी थी पर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको सूट करते हैं अच्छा अच्छा आपने कवर किया है इसको राशि भाई इस पर बाद में बात करेंगे आप नहीं नहीं अब आप ये बताएं कि उसी फिल्म का एक और गाना है और आपको उसके लिए डांसर चाहिए तीन ऑप्शन है इसमें से आप किसको पिक करेंगे शुएब अख्तर उमर अकमल और डांस करा चंगा कर दस चल एक ऑप्शन अपनी मर्जी से रखो वाह रियाज चले नहीं ना सब तो अच्छा मेरे हिसाब ना जरा शुएब अख्तर अच्छा डांस करता है वो आयरिश आयरिश डांस करेंगे नहीं नहीं वो अच्छा है बस एक डांस चले आखिरी सवाल जी जाते जाते अब्दुल रज़ाक से उमर अकमल इमरान नज़ीर अहमद शहज़ाद तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों बड़े टैलेंटेड थे या हैं इसके साथ साथ और भी एक चीज़ की कॉमन बताएं इन तीनों में जो तिना के माइंड इको जे ने खराब माइंड माइंड क्रिकेटर बहुत अच्छे सी पर उस तो बस स्पॉइल हो गए
पहले ठीक थे बाद में आ गया क्रिकेट इनको एडजस्ट नहीं इनको जो इज्जत थी ना वो रास नहीं आ सकी तो इनको अपना पता नहीं चल सका ये कितने टैलेंटेड थे पर इन्होंने अपने माइंड खराब होने की वजह से अपनी क्रिकेट जाया की चलें अब वेरी लास्ट क्वेश्चन फेवरेट कोच मिकी आर्थर बॉब वुलमर या मुश्ताक मोहम्मद कोई नो डाउट अबाउट बॉब वुलमर लेकिन रिकॉर्ड तो मिकी आर्थर का जबरदस्त है सर मिकी आर्थर नंबर 1 टीम टेस्ट की भी गई है आपकी मिकी आर्थर का नाम चैंपियन ट्रॉफी आप जीते टी20 की आप मिकी आर्थर का नाम लेते मेनू ना कार्टून याद आ जंदे ने और रहन दे तुसी सर रिजल्ट्स आपने देखने हैं या नाम देखना है कार्टून देखने हैं देखिए रिजल्ट हमेशा टीम से और लड़कों से आता है चलो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा और जाते-जाते एक क्वेश्चन जो आपके जहनों में काफी ज्यादा वो भी अब्दुल रज़ाक से करते हैं कि रज़ाक अक्सर व्यूअर्स कहते हैं जी आप बहुत ज्यादा तंकीद करते हैं किसी हाल में खुश नहीं होते टीम जीत रही होती है आप कहते हैं नहीं जी मजा नहीं आया कोई स्टैंडर्ड क्रिकेट नहीं थी इस पे क्या कहने जाते हैं देखिए बात यह है कि जब तक टीम हमारी रैंकिंग नंबर 2 पे नहीं आएगी हर फॉर्मेट में मैं तारीफ नहीं करूंगा ठीक हो गया ये इनका अपना स्टैंडर्ड है सर आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और जाते जाते एक लास्ट मैसेज न सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि स्पेशली आपका जो इलाका है शदरा एक शदरा मैंने आपको इस्लामाबाद में भी दिखाया था वो नहीं जो आपका होम टाउन है शदरा लाहौर में शाहदरा उधर जो बच्चे खेल रहे हैं गली मोहल्ले में उनको क्या मैसेज है भाई देखे मेहनत करे और टैलेंट है वहाँ पे आपने भी देखा टैलेंट तो पूरे पाकिस्तान में है और अपनी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस हैं और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में मैं अगर चक्कर लगाऊंगा कोई टैलेंटेड प्लेयर हो तो उसको ऊपर लेके आए चलें जी ज़बरदस्त आई होप है व्यूअर्स कि आपको आज का ये एपिसोड भी पसंद आया अगर अब्दुल रज़ाक एज यूजुअल बड़े पक्के मुंह के साथ बड़ी मजाया बातें भी कर जाते हैं आई होप कि एंजॉय दिस हो सो कीप वॉचिंग पॉल वसीम अल्लाह हाफिज़